नमस्ते छात्रों, मैं श्री गायकवाड़ आर्यल आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान समृद्धि दिशा पर आपका स्वागत करता हूं। आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पसंद आने पर लाइक कीजिए और हाँ चलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा नौवीं की कविता किताबें। इस कविता के रचनाकार है जाने माने फिल्म दिग्दर्शक निर्देशक कथाकार और नाटककार और गीतकार गुलजार जी। छात्रों, इस कविता के माध्यम से कवि वर्तमान युग में संगणक ने कैसे पूरे कारोबार पर अपना जम बसाया है, सब युग संगणक का कैसा है यह बताने का प्रयास किया है किताबों के माध्यम से, किताबों का उदाहरण दिया है। छात्रों, शिक्षा वर्ष 2020-21 में हमें अनुभव ही आया है कि कोरोना विषाणु की वजह से पूरी दुनिया रुक सी गई थी, लेकिन कुछ महीनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरे कारोबार शुरू करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन कारोबार करने के तरीके सब संगणक के माध्यम से शुरू कर दिए हैं। अभी कल कारखाने क्यों ना हो, कोई दुकानदारी क्यों ना हो, या स्कूल कॉलेज ट्यूशन क्यों ना हो, ये सब संगणक के माध्यम से ऑनलाइन पर चल रहे हैं। अभी शिक्षा प्रणाली जो है वो सब ऑनलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन शिक्षा ये पद्धति शुरू हो गई है। अभी ऑनलाइन शिक्षा कंप्यूटर मतलब संगणक, लैपटॉप, मोबाइल, नोटपैड पर चल रहा है। पहले किताबों में ज्ञान था, अब जो ज्ञान है वो संगणक में जो किताबें हैं उस पर है। तो उसी के माध्यम से संगणक का महत्व यहाँ कवि हमें समझाते हैं। संगणक पर आप एक क्लिक करने पर जो मनचाहा किताब वो हासिल कर सकते हैं, उसका अध्ययन पठन कर सकते हैं। अब पुराने जमाने में जो किताबें थी वो किताबें बहुत जी जान से संभाल कर खरीद कर उसे अपने सीने से रखकर पढ़ाई करते थे छात्र या कोई ज्ञानी लोग वो भी। अब यहाँ सब किताबें एक क्लिक में संगणक में मौजूद हैं। देखिए ए कवि गुलजार जी इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। ये कविता का पठन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, कुछ कृति करने के लिए कहा है आपको मुद्दों के आधार पर। इसके लिए कुछ सोपान यानी कि सीढ़ियां, कुछ ट्रिक्स यहां पर दिए हैं। पाठ्यत्तर पुस्तकें जो अपने अध्ययन के पुस्तकें हैं, किताबें हैं, वो छोड़कर अन्य दूसरे जो पुस्तकें हैं वो आपके घर में होंगे, आपके पास होंगे, उन पुस्तकों के बारे में सोचिए। वो पुस्तकें कहाँ हैं, कैसे रखें, उसकी देखभाल आप कैसे करते हैं, उन पुस्तकों का संकलन कैसे किया है, उन पुस्तकों के बारे में जरा विचार मंथन कीजिए। उसके बारे में आपका विचार क्या है, आपको उनको देखकर क्या वाक्य सूझता है, कौन सा सुवचन सूझता है, वो देखना है। ये जो गुलजार जी हैं, इन्होंने ये नई कविता, नए जमाने की नई कविता लिखी है। कविता की विधा है नई कविता, आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को मतलब विविधता को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। गुलजार जी ने पुस्तक के पढ़ने का सुख और कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न हुई दर्द को बड़ी मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यहां गुलजार जी ने पुस्तकों के पुराने मनुष्य के साथ जो रिश्ते थे और प्रगाढ़ संबंधों के बारे में जो बताया है वो पुराने क्षणों को याद दिलाने का प्रयास किया है। किताबों के माध्यम से रुखो रुखो यानी कि संदेश और फूलों के आदान प्रदान तथा निजी जीवन में पुस्तकों की वजह से जुड़ने वाले प्रेम संबंधों का चित्रण किया है। साथ ही पुस्तकों के दुख दर्द, उनसे मनुष्य की बढ़ती दूरियां, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों को पढ़ने में सुविधाओं का मार्मिक चित्रण किया गया है। क्या कहते हैं कवि, देखते कविता। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से बड़ी हसरत, हसरत का मतलब है कामना, उम्मीद, इच्छा, ख्वाहिश, बड़ी हसरत से
तकती है, तकती का मतलब है ताकना, देखना। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामे, शामे यानी कि रात, उनकी सोहबत यानी कि संगत में कटा करती थी, अब अक्सर शायद वो नहीं होती। यहां कवि का कहना है कि एक जमाना था संगणक युग के पहले, जो ज्ञानी लोग वो और जो छात्र है वो, जिन्हें पढ़ने का चाव है वो लोग किताबें खरीदते थे, उसे संभाल कर रखते थे, उनकी अच्छी देखभाल करते थे, और कुछ लोगों ने उनके लिए खास अलमारी लेकर अलमारी को शीशे के दरवाजे लगाए थे और उन अलमारी में उसे रखा था। अभी संगणक का युग आया है, संगणक के युग में वो किताबें वैसी अलमारी में पड़े हुए हैं। अब यहां संगणक पर बैठे, कंप्यूटर बैठे, एक क्लिक कर दिया, जो मुझे किताब चाहिए उस पर क्लिक कर दिया, वो किताब खुल जाता है। क्लिक करते जो पाठ चाहिए, जो कविता चाहिए उस पर क्लिक कीजिए, वो कविता पाठ आपको मिल जाएगा। उन किताबों के अलमारी को देखकर, उन किताबों को देखकर कवि को सूझता है, कवि को लगता है कि किताबें हमें कुछ कहना चाहती हैं। किताबें क्या क्या कहते हैं, उनका मानवीकरण क्या है किताबों का, कि किताबों जो किताबें हैं वो किताबों का कुछ कहना है। किताबें हमें अलमारी के शीशों के दरवाजे से झांक झांक कर देखती है और शायद कहते हैं कि हमें अपने पास लो ना, हमें जो कुछ ज्ञान है उसे आप पढ़ो ना। लेकिन वो कहते हैं एक जमाना था, कभी करे एक जमाना था कि ये किताबें जो थे उनकी बहुत संगत थी, सोबत थी, अब वो नहीं है। अब महीनों महीनों, छह छह महीनों उनकी मुलाकात होती नहीं है। वो कहते हैं किताबें जो वहां रखी है वहीं से हमें ताकती रहती है, हमें कब बाहर निकालोगे, हमें कब बाहर निकालोगे, हमें बाहर आना है, शायद ऐसा वो कहते हैं। लेकिन अब वो अक्सर नहीं निकलती हैं, गुजर जाती हैं, अब अक्सर नहीं निकलती। इसका मतलब गुजर जाती, क्यों नहीं निकलती, गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। अब वो किताबें कहाँ हैं, कंप्यूटर के पर्दों पर हैं, स्क्रीन पर हैं, बेचैन रहती हैं वो किताब, बेचैन रहती है और यहां वो चलती रहती है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, मतलब नींद में चलने का मतलब है यहां कवि के सपनों में आती किताबें, कंप्यूटर स्क्रीन पर वो भी और जो अलमारी में पड़े वो भी। जो कदरे, कदरे का मतलब मूल्य, मायना, महत्व, जो कदरे वो सुनाती थी कि जिनके सेल, जो हम उसे कोशिका कहते हैं, सेल का मतलब कोशिका, जो हम टॉर्च में वगैरह डालते हो, जो ना पुराने जमाने में ट्रांजिस्टर में डालते थे वो, या घड़ी में डालते हो, जो कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, किसके, किताबों के, किताबों में सेल डालने की जरूरत नहीं है, जब चाहो तब आप उसे निकाल सकते, पन्ने पलट सकते और पठन कर सकते, अध्ययन कर सकते। यह कंप्यूटर में बिजली की जरूरत होती है देखने के लिए, अगर लैपटॉप है उसे बिजली की और सेल की जरूरत होती है। जिनके सेल कभी मरते नहीं थे वो कदरे अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी, जो नाता था, रिश्ता था, वो दिखाई देता नहीं है। कभी कहते कंप्यूटर आने के पहले उनकी शामें किताबें पढ़ने में बिता करती थी, जब संगणक नहीं था तब रात के समय संध्या होने पर जो पढ़ना लिखना चाहता है उनके पास किताबें होती थी और किताबों के साथ ही अपनी रात शाम गुजरती थी। पर अब कंप्यूटर आ गया है तब से कंप्यूटर पर ही पढ़ते लिखते हैं, इसलिए शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। अब सब कुछ लोग, जो भी कोई है पढ़ना चाहता है, कंप्यूटर ऑन करते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं, वो जो चाहिए वो पढ़ते हैं। इस वियोग, एक दूसरे को छोड़ना, इस वियोग के कारण किताबें बहुत बेचैन रहती है कि अभी हमें कोई देखता नहीं, सब कंप्यूटर पर जाते हैं, किताबें बेचैन है। अब हालत यह हो गई है कि किताबें नींद में चलने लगी, अर्थात वे कवि के सपने में कभी कभी दिखाई देती हैं। इन किताबों से जिन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी, इन किताबों से मानव के प्रति क्या मूल्य है, क्या महत्व है, क्या मायना है, ये मिलता था और वो अक्षुण्ण हुआ करते हैं। वे मानव मूल्य अब घर में नजर नहीं आते हैं। पहले अगर चलते चलते किताब को किसी का पाव लग गया तो उसे छूकर उसका दर्शन लेते थे, अब नहीं।
उसको छूते थे और सीने से लगाते थे, हमें माफ कर दो, हमारे से गलती हो गई। लेकिन अब वो नजर नहीं आता। ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी, ये मेरी किताबें, मुझे हिंदी पसंद है, मुझे अंग्रेजी पसंद है, उसे लगाव था, प्यार था। एक अभी वो नहीं है, वैसे वो सारे उधड़े उधड़े हैं। देखते आगे, वो सारे उधड़े उधड़े, उधड़े का मतलब क्या है, रिश्ता टूट जाना। कोई सफा, सफा का मतलब पन्ना, किताबों का पन्ना, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती थी। सिसकी मतलब रुक रुक रहा, धीरे धीरे रोना, सिसकारी। कई लफ्जो, लफ्जो यानी कि शब्द, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, मतलब मानी यानी कि मतलब अर्थ मायने। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जैसे किसी पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, वो पेड़ बगैर पत्तों का जैसे दिखता है ना, उसे कहते हैं टुंड। उसी तरह से किसी का हार्ट टूट जाता है तो उसे कहते हैं टुंड, उस तरह से ये लगते हैं पत्ते लब्ज निकल जाने पर, जिन पर आप कोई मानी नहीं उगते। यहां कवि कहना चाहते हैं, किताबों की प्रशंसा करते हुए वो बताना चाहते कि रिश्तों के बारे में, किताबों के साथ जो रिश्ता था उसके बारे में बताते हैं कि सारे संबंध अब उधड़ गए, किताबों से कोई संबंध बचा ही नहीं है। रामायण हो, महाभारत हो, कुरान हो, बाइबल हो, कोई भी किताब क्यों ना हो, जो चाहिए वो संगणक पर मौजूद है, इसलिए संबंध जो थे किताब के साथ वो उधड़े उधड़े हो गए हैं। अब ये उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उसकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है और उसके गले से सिसकारी निकल लगती है। इन पन्नों से कहीं शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं, कहीं पन्नों पर अक्षर जो थे, शब्द थे, लफ्ज वो टूट कर गिर पड़े हैं, इन पन्नों का गिर पड़े हैं अक्षरों अक्षरे। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वो बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा ठुंड हो जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला। जैसे बगैर पत्तों का पेड़ टुंड जैसा लगता है, उसी तरह से यहाँ भी बिना पत्तों वाला जैसा पेड़ होता है, उसी तरह से यहाँ भी जो किताबें हैं बिना शब्द के वो अच्छे लगते नहीं है। जुबान पर जो जायका, जायका मतलब खाने पीने का स्वाद, जुबान पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, जो पुराने जमाने अपनी जुबान के थुनकी से पन्ना पलटते थे, वो पन्नों की भी एक कुछ स्वाद थी, स्वाद टेस्ट वो इसमें मिलती, वो कंप्यूटर पे क्लिक करने से नहीं मिलती। वो इसीलिए कहते जुबा, जुबा यानी कि जबान, जी जुबान पर जो जायका यानी कि स्वाद आता था, जो सफा पलटने, सफा का मतलब पन्ना पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। अब पन्ना पलटने की जरूरत पड़ती नहीं है, अब क्या होता है, खाली क्लिक कर दिया झपकी पलट जाती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, क्लिक करते ही एक के बाद एक, एक के बाद एक जो चाहिए वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है। किताबों से जो जाति, जाति यानी कि निजी वैयक्तिक खासगी अपनी राबता यानी कि संपर्क था, कट गया। कवि पुस्तकों और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के तरीकों के बारे में कहते हैं कि किताबों के पृष्ठ पलटने में जीभ का एक प्रकार का स्वाद मिलता था, जीभ का एक प्रकार का स्वाद मिलता था। अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ पलक झपकते बदल जाता है, पलक अपनी झपकती भी नहीं तो पन्ना पलट जाता है। पर्दे पर मनचाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है, इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क अब टूट गया है पूरी तरह से। कभी सीने से रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को रिहल, अपने रिहल, रिहल का मतलब ठावनी, जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है, लकड़ी की बनाई होती हो, धर्म ग्रंथ उस पर रखकर पढ़ाया जाता है, वो उसे कहते ठावनी, ठावनी का मतलब रिहल। घुटनों की रिहल बनाकर, जिस तरह से लकड़ी की रिहल बनाई होती है, उस तरह से घुटनों की रिहल बनाते हैं, उस पर अपनी किताब वगैरह रखकर पढ़ते रहते हैं, सूरत बनाकर। नीम सजदे यानी के मुसलमान हो,
कोई पढ़ने वाला खुद चाहे ओ धर्म प्रार्थना करने वाला क्यों न हो, धर्म ग्रंथ नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबीन से, जबीन का मतलब या माथा, माथे से ओ सारा इल्म, इल्म का मतलब ज्ञान, तो मिलता रहेगा आइंदा भी। अभी यहां धर्म ग्रंथ तो हम पढ़ते हैं, लेकिन कहां पढ़ते हैं, कंप्यूटर पर, संगणक पर। अभी वो मजा किताबों में से नहीं, संगणक से लिया जाता है। कवि का कहना है कि कवि किताबों के संपर्क के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय वो किताबें को कभी छाती पर रखकर लेट जाते थे। जो पढ़ने वाले जाना शौक है वो अपने छाती पर रखते थे और पढ़ते थे। कुछ लोग उसे गोद में लेकर पढ़ते थे, कभी कभी अपने घुटनों का रिघल बनाकर उस पर किताब रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे। उस माथे पर, उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। लेकिन अब वो दिन नहीं रहे, वो दिन चले गए। मगर ओ जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुखे, रुखे यानी कि चिट्ठी, संदेश पत्र, किताबें गिरने और उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। यहां कवि कहना चाहता है किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई होती हैं। कवि हम बताते हैं कि किताबों के साथ जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें हैं। कंप्यूटर पर आधारित हो जाने पर शायद अब वो उनका अस्तित्व नहीं होगा, वो समाप्त हो गया। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रख सकते थे। ये हमारी प्यारे व्यक्ति दी हुई निशानी है, ये समझकर उसे संभाल कर रखते थे। ये उनके संबंधों का ताजा, वे उनके संबंधों को ताजा करते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोग उनके जिंदगी भर के संबंध जुड़ते थे। कभी कभी चलते चलते किसी के हाथ से किताबें गिर गई, दूसरा कोई आता है उन्हें किताब उठाने के लिए मदद करता है, शायद वो लड़का लड़की हो, तो बस वहीं से उनकी जान पहचान हो जाती है। हो सकता है जान पहचान आगे चलकर रिश्ते बदल जाती हैं और उसकी जिंदगी भर के रिश्ते जुड़ जाते हैं। कवि कहते हैं कि अब जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे। इस कंप्यूटर की दुनिया ने किताबों को संगणक में बंद कर लिया है, आप किताबों को कोई ध्यान देता नहीं। ऐसी बहुत सारी यादें यहाँ कवि ने हमें बताने की कोशिश की है। यहाँ पर एक कविता समाप्त होती है। कविता के अंत में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को हल करें और काफी में नोटबुक में लिख कर रखें। छात्रों, मेरे इस वीडियो को आप अवश्य पूरा देखिए, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।